असर पड़ेगा उस विधानसभा क्षेत्र में। 6 बार के विधायक प्रेम साय भी ड्रॉप हो गए और उनके सामने चुनाव लड़ने वाले राम सेवक पैकरा, जो कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके थे, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके थे, उनको भी ड्रॉप किया गया है। देखिए, निश्चित तौर से दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था ही, इसलिए दोनों को ड्रॉप किया गया। दोनों परंपरागत होते, एक बार ये जीतते थे तो एक बार वो जीतते थे, तो यहाँ पे इस तरह का मुकाबला होता था। तो पिछले बार तो एंटी इनकम्बेंसी के कारण प्रेम राम सेवक पैकरा नहीं जीत पाए थे और उसका फायदा मिल गया था प्रेम सिंह के काम को। तो निश्चित तौर से इस बार उस तरह का माहौल नहीं रहेगा। दोनों नए चेहरे हैं और दोनों अपने वादे कर रहे हैं कि हम क्या काम करेंगे, किस तरह से जनता, तो नए चेहरे होने से सरकार के कामकाज और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार नाकामी की बात कर रही है, वो दोनों मुद्दे रहेंगे और लोकल मुद्दे वहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो लोकल मुद्दे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, खासतौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ के लोग गाहे बगाहे हाथियों के आतंक से प्रभावित रहते हैं, इसलिए इन मुद्दों को जो उठाने वाला है और इन मुद्दों को जो हल करेगा वो ज्यादा इफेक्टिव यहाँ नजर आएगा। तो ये रही प्रतापपुर की बात। अब अगली सीट की ओर आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे अब अंबिकापुर सीट का हाल। अंबिकापुर सीट वो सीट है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो चर्चित सीटें हैं उसमें से एक सीट है और वो सीट अंबिकापुर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ते हैं। सरगुजा के महाराज हैं टीएस सिंहदेव, वो चुनाव मैदान में इस बार भी हैं और उनके खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए बीजेपी में काफ़ी मशक्कत लगी और मशक्कत के बाद उम्मीदवार घोषित किया गया है राजेश अग्रवाल को। अंबिकापुर सीट का समीकरण देख लेते हैं तो पिछली बार 2018 में विधानसभा मतदाताओं की संख्या थी 2,25,000 और इस बार भी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कुछ उसी आंकड़े में हैं मतदाता। जो मतदाता हैं वो हैं, उनकी संख्या है 2,25,000 के आसपास। पुरुष और महिला का अंतर भी ज़्यादा नहीं है, 1,13,000 मतदाता जो हैं वो पुरुष हैं और 1,12,000 मतदाता जो है वो महिला है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। और आंकड़ों के हिसाब से करीब 2.25 लाख की आबादी वोटर वाला ये विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सामान्य उम्मीदवार को जो है वो मौका मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं और अंबिकापुर में अब तक हुआ क्या है जान लेते हैं, उसके बाद आपको विश्लेषण की ओर ले चलेंगे। कांग्रेस से टीएस सिंहदेव ने यहाँ जीत दर्ज की थी 2018 में और 2013-2018 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हुई थी, उसके पहले ये सीट आदिवासी आरक्षित थी, इसलिए 2003 में कमल भान सिंह ने जीत हासिल की थी। कमल भान सिंह एक बार सांसद बन चुके हैं, इस बार उम्मीद थी कि उन्हें ही मैदान में उतारा जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस के उम्मीदवार टीएस सिंहदेव के खिलाफ बीजेपी ने प्रयोग करते हुए नए उम्मीदवार राजेश अग्रवाल को वहां मौका दिया है। तो मुकाबला जो है वो टीएस सिंहदेव और वहां के स्थानीय नेता राजेश अग्रवाल के बीच होगा। जी, तो मुकाबला किसके किसके बीच है अंबिकापुर में आप देख लीजिए।